Hello students, welcome back. So today we are here to, you can say, finish this chapter, or in the last of this chapter we are excretory system of human beings. About that excretory system and that all function we have already talked about it. इस सिस्टम के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में हमने एक पूरी तरह से बात कर ली है. अब जो चीज़ रह जाती है वो है डिसऑर्डर्स. लेकिन डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में भी जानना है जो हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं. नॉट ओनली दिस सिस्टम, ये जैसे आपने देखा किडनीज आर परफॉर्मिंग द फंक्शन टू रिलीज आउट दैट यूरिन और विद दैट यूरिया हिप्यूरिक एसिड, है ना. तो इनको रिलीज करने में नो डाउट ये हेल्पफुल होते हैं. अलॉन्ग विद दैट सम ऑर्गन्स आर ऑल्सो देयर विच आर रिलीजिंग दैट वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी. तो उनके बारे में बात करते हैं और उसके बाद अ वेरी लिटिल बिट टॉपिक इज ओवर देयर जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. देखिए एस हेडिंग इज ओवर देयर एसेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स. एसेसरी का मतलब ये होता है सहायक, यानी जो एक्सक्रेट करने में, बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रेट करने में हेल्पफुल होते. मेन ऑर्गन हम डिस्कस कर चुके, इन्हें एसेसरी इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे आर सपोर्टिव. चलिए बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एज लीवर, ठीक है, लीवर इज ओवर देयर. लीवर, सो हाउ डज लीवर हेल्पफुल इन दैट एक्सक्रीटिंग वेस्ट. देखिए लीवर के फंक्शन के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लीवर का क्या फंक्शन होता है. देखिए लीवर एक तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो लीवर में होती है, जो मैंने आपको बताया, और उसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं. ठीक है, सो आप लिखेंगे यहाँ पर लीवर हेल्प टू कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इंटू यूरिया. जो यूरिया हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में रिलीज आउट करते हैं उसकी आप कह सकते हैं फॉर्मेशन होती है लीवर में बाय ऑर्निथिन साइकिल. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग यूरिया इज नोन एज ऑर्निथिन साइकिल. तो ये एक तो यूरिया फॉर्मेशन, अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स देखिए इसमें बाइल पिगमेंट्स आपको मैंने ये बताया था कि हीमोग्लोबिन जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था तो हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन दीज पिगमेंट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड एंड दे गिव दैट येलो कलर टू फेसेस. जो सॉलिड वेस्ट बॉडी से रिलीज होता है उसमें ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो हैं रिलीज किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो यू कैन से फॉर्म्ड बाय लीवर. तो आपने ये देखा कि लीवर किस तरह से हेल्पफुल हो रहा है. डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एक्सक्रीट नहीं कर रहा पर यूरिया फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है. इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स वगैरह जो हैं उनके रिमूवल में ये हेल्प कर रहा है. इसके अलावा देखिए जो ड्रग्स हैं कोलेस्ट्रॉल हैं वो भी इसके रिमूवल में हेल्प करता है. चलिए अब बात करते हैं हम अनदर वन, स्किन.
स्किन भी एक्सक्रीट वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है, वेरियस काइंड ऑफ वेस्ट। इसमें स्किन में दो तरह की ग्लैंड्स आप सभी को पता है प्रेजेंट होती हैं, एक जो कि स्वेट ग्लैंड्स आप जिन्हें नाम दे सकते हैं, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पसीने वाली जो ग्लैंड्स हैं स्वेट ग्लैंड्स कहलाती हैं, और इन स्वेट ग्लैंड्स को सुडोरी फेरस ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंड देयर सेक्रेशन, ये जो सेक्रेट करती हैं इट इज नॉन एज स्वेट। और स्वेट कंटेन, देखिए स्वेट हमारा जो पसीना है उसमें सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जनरली सॉल्ट जो है एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है वो भी रिलीज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर वैसे स्वेटिंग जो होती है वो हमारी बॉडी को कूल करने के लिए होती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ठीक है, हमारी बॉडी को कूल करती है। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो रिलीजेज वेस्ट। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है हैवी एक्सरसाइज जब की जाती है, हैवी एक्सरसाइज इन दैट कंडीशन इट इज़ फॉर्म्ड लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो एज यू कैन सी सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग दैट हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरी ग्लैंड की, स्वेट ग्लैंड हो गई, दूसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं ऑयल ग्लैंड्स। और ऑयल ग्लैंड्स को सीबेसियस ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेक्रेट करती हैं उसको हम कहते हैं सीबम। ऑयल ग्लैंड्स सीबेसियस ग्लैंड्स भी कहलाती हैं और इसके सेक्रेशन को हम सीबम कहते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया दो ग्लैंड्स इसमें स्किन में प्रेजेंट हैं, स्वेट ग्लैंड्स और ये ऑयल ग्लैंड्स। तो ये जो सीबम है ये लिपिड्स, फैट से रिलेटेड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, बॉडी से रिलीज करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। ग्लिसरॉल नहीं, स्टेरॉल हम लिखेंगे यहाँ पर, स्टेरॉल। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि ये लीवर और स्किन, ठीक है। इसके अलावा लंग्स, एज यू नो इन ब्रीथिंग सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। सो लंग्स हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दैट आर बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करने में ये हेल्पफुल होते हैं। सो इन दिस मैनर होपफुली यू गॉट दैट लीवर, स्किन एंड लंग्स, ये सभी के सभी हमारी बॉडी से वेस्ट को रिलीज करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे उन डिसऑर्डर्स के बारे में जो आप कह सकते हैं अगर हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, देन वेरियस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद दैट यूरिन ऑल्सो एक्सक्रीट आउट। यूरिन के साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जो एक्चुअल में ब्लड में रहने चाहिए, और उसकी वजह से फिर वो डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हेडिंग लिखी हुई है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज इनसिपिडस। देखिए स्टूडेंट्स, डायबिटीज इनसिपिडस में क्या होता है, एज
इन दैट डायबिटीज इंसिपिडस, इस डिजीज में क्या होता है कि दैट ड्यू टू डिक्रीज इन ADH, ADH आप सभी को पता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सेक्रेशन में कमी आती है। और मैंने आपको बताया है कि इस ADH का फंक्शन क्या होता है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर एब्जॉर्प्शन का काम इसका होता है, ठीक है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन का वर्क इसका होता है। लेकिन अगर इसकी कमी आ जाएगी तो आप क्या कहेंगे, क्या होगा, दैट लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो ज़्यादा मात्रा में यूरिन रिलीज होगा, क्यों, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी इस डिसऑर्डर में, डायबिटीज इंसिपिडस में, उस पर्सन को बार बार यूरिन आता है। आपने सुना होगा डायबिटीज से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उन्हें बार बार यूरिन अर्ज करने की इच्छा होती है, ड्यू टू दैट, क्यों, क्योंकि उनमें ये जो ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी कमी आ जाती है और उस वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए, जब नॉर्मली आपको मैंने बताया हुआ 1.5 से लेकर के 1.8 लीटर तक हम डेली यूरिन रिलीज़ करते हैं, लेकिन जब ये डिजीज़ हो जाती है तो 10-15 लीटर जो वाटर है वो बॉडी से रिलीज़ आउट होता है, यूरिन मतलब आप कह सकते हैं बॉडी से रिलीज़ आउट होता है। यानी कि उस कंडीशन में उस पर्सन के बॉडी में पानी की कमी आएगी तो उसको ज़्यादातर बॉडी में मतलब प्यास लगी रहती है, तो उस वजह से एक ज़्यादातर प्यास लगी रहती है, ये पॉलीडिप्सिया प्रॉब्लम फिर उसमें हो जाती है। पॉलीडिप्सिया मतलब आप कह सकते हो इंक्रीज इन थ्रस्ट, यानी प्यास उसको ज़्यादा लगती है उस पर्सन को। और इसके अलावा देखिए, पानी रेगुलरली बॉडी से रिलीज आउट हो रहा है सो डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम जो है हो सकती है। डिहाइड्रेशन एज यू नो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, सो हियर व्हाट डू यू सी, पॉलीडिप्सिया। किस वजह से हुई, इस इनसे डिपस की वजह से, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि यहाँ ADH जो है वो कम रिलीज़ हो रहा है या ना के बराबर रिलीज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा यूरिन जो है रिलीज़ होगा, यूरिन रिलीज़ होगा तो पानी कमी आएगी, उसको थ्रस्ट प्यास लगेगी, तो वो पॉलीडिप्सिया कंडीशन कहलाती है। और अगर वो ज़्यादा मात्रा में पानी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है तो उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें डिहाइड्रेशन यानी वाटर, यूरिन के साथ में वाटर रिलीज़ हो रहा है तो उसके साथ कुछ आयंस भी रिलीज़ हो जाते हैं, स्पेशली दैट पोटेशियम आयंस जो हैं वो पोटेशियम आयंस भी रिलीज आउट हो जाते हैं। तो पोटेशियम आयन रिलीज होते हैं, इसी वजह से इसको हाइपोकैलेमिया भी कह देते हैं। मीन्स टू से क्रिएट इन एक्सेस, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो अगर होती है तो वो एक साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अगली बात करते हैं नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो है इसके लिए आप ये कह सकते हैं
ये होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पेशली दैट ग्लोमेरुलस कैप्सूल। और जैसे कि हमने बात की थी इसमें जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, उन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के पोर्स जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। पोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बिकम्स लार्जर, ठीक है। और जब पोर्स बड़े हो जाएंगे तो देखिए ग्लोमेरुलस कैप्सूल का काम क्या होता है, वो ब्लड को फिल्टर आउट करता है जो वेस्ट उसमें प्रेजेंट है। बट एज ये आप देख पा रहे हैं मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं पोरस उसके बड़े हो गए हैं, तो द पार्टिकल्स विच शुड बी रिमेन इन ब्लड एज लाइक प्रोटीन आरबीसी सेल्स वो भी रिलीज आउट हो जाती हैं। तो आरबीसी सेल्स प्रोटीन अगर रिलीज होंगे यूरिन में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम स्पेशली उस प्रोटीन की बात करें तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो आ जाता है, तो इसे एल्ब्यूमिनुरिया एल्ब्यूमिनुरिया ये कंडीशन कब होती है, व्हेन एल्ब्यूमिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, जो ब्लड में रहना चाहिए था लेकिन इन्फ्लेमेशन कंडीशन की वजह से वो छन करके उस नेफ्रेटिक पार्ट जो फिल्ट्रेट पार्ट है उसमें आ जाता है और फिर यूरिन के साथ रिलीज होता है एल्ब्यूमिनुरिया, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड कंडीशन, गाउट। गाउट जो हमारे आप कह सकते हैं जो नेफ्रॉन्स हैं या ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें ये जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम। और ये क्यों होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो वहाँ जो ट्यूबुलर पार्ट है और किडनी का पार्ट है तो जो जॉइंट्स हैं वहाँ स्टोर हो जाते हैं, और इन दैट कंडीशन दैट पेनफुल रिलीज ऑफ दैट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन यू कैन से, एंड पेनफुल रिलीज ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस, मतलब यूरिन जब रिलीज किया जाएगा तो वो एक्यूमुलेशन की वजह से वो ट्यूब्यूल्स में प्रेशर बढ़ेगा और वो पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो गाउट कहलाती है, ठीक। चलिए अब जैसे कि बहुत सारी आप कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो यूरिन में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए वो यूरिन में आ जाते हैं, तो वो कंडीशंस डिसऑर्डर वाली कंडीशन हो जाती है। सो दैट ऑल आई हैव रिटन ऑलरेडी, मैंने वो सारे के सारे एक साथ जो हैं वो लिख लिए हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार एक कंडीशन और देख लेते हैं, रीनल फेलर और आप से किडनी फेलर भी कह सकते हैं। देखिए ये दो कंडीशन हो सकती है, एक तो होता है कि जो ये रीनल फेलर है किडनी फेलर है वो माइनर कंडीशन में हो सकती है तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन हार्श कंडीशन हो ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस की जाती है,
वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं करती हैं। तो रीनल फेलर के बारे में हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, अक्यूट और क्रॉनिकल फेलर। अक्यूट फेलर एंड क्रॉनिकल फेलर। अब देखिए, अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी तो स्पेशली आप कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसमें यूरिया का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। यूरिया ही नहीं, जैसे आपको ह्यूरिक एसिड मैंने बताया जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो यूरिया है, ह्यूरिक एसिड है, वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। और किडनी फेलर सिंपली बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ लेके आता है। एज किडनी आर यू कैन से दैट मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो अगर किडनी ही फेल हो रही है सो इट कुड बी दैट ऑल द वेस्ट विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आर बॉडी, यूरिक एसिड, ये यूरिया, ह्यूरिक एसिड, वो ऑल सब्सटेंसेज एक्यूमुलेट होंगे हमारी बॉडी में, इकट्ठा होंगे, स्टोर होंगे एंड दे कॉजेज वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एज दे आर पॉइजनस। सो यहाँ पर जैसे यूरिया स्टोर होता है तो एक कंडीशन है यूरेमिया। यूरेमिया कंडीशन हम ये कहेंगे दैट इन ब्लड अमाउंट ऑफ यूरिन इंक्रीजेस। ठीक है, यानी हमारे ब्लड में यूरिन का अमाउंट, यूरिया का, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यूरिया का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं। और जैसे मैंने बताया एक्यूट फेलर और क्रॉनिक फेलर, क्रॉनिक फेलर में तो सिंपली बात है किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है और अगर हम बात करें एक्यूट फेलर की तो इसमें हम जो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस है वो करते हैं। हीमोडायलिसिस जो कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह फंक्शन करती है वो मैं भी आपको वो चीज़ क्लियर करूँगा, लेकिन बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू सम मोर काइंड ऑफ दैट सब्सटेंसेस। देखिए, पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर्स हैं उनका नाम उसी हिसाब से दिया गया है जो भी सब्सटेंस हमारे यूरिन में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पूरी लिस्ट बनाई है एज यू कैन सी, तो नॉर्मल है, फटाफट से हम इनको कवर अप करते हैं, टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। आप देखेंगे, देखिए ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया सिंपल सी बात है, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इंक्रीजेस। ठीक है, यूरिन में जो ग्लूकोज की प्रेजेंस है वो कंडीशन क्या कहलाती है, ग्लाइकोसूरिया। और ये आप सभी को पता है ग्लूकोज को हमारे ब्लड में कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन, तो ये इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से ये ग्लाइकोसूरिया कंडीशन हो जाती है जिससे कि यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है। और ये नेक्स्ट इस कंडीशन को आप सभी को पता है डायबिटीज़ हो जाती है ना, डायबिटीज़ को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसके अलावा है कीटोन्यूरिया, ठीक है, कीटोन्यूरिया। अब कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन, और कीटोन भी कौन सा, एसिटो एसिटिक एसिड जो है ये एक कीटोन है, तो कीटोन की प्रेजेंस यूरिन में कीटोनोरिया कहलाती है।
द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन कीटोनोरिया, और कीटोन भी कौन सा, एसिटो एसिटिक एसिड। इसी तरह डिसऑर्डर्स में एल्बिन्यूरिया, एल्ब्यू, देखिए एल्ब्यू यानी कि एल्ब्यूमिन, ये मैंने पीछे शायद नाम एल्ब्यूमिन्यूरिया कर दिया है उसको, एक सेकेंड, एल्बिन्यूरिया होगा ये, हाँ ये वाली स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, एल्बी, ठीक है। तो यहां पर हम थे एल्ब्यूमिन्यूरिया, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, तो प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से, प्रेजेंस की वजह से आप इस डिसऑर्डर को एल्ब्यूमिन्यूरिया नाम देते हैं। इसके अलावा हीमोट्यूरिया, हीमो यूज करते हैं ब्लड सेल्स के लिए, और स्पेशली आरबीसी सेल्स जब यूरिन में प्रेजेंट होती है तब आप उसको हीमोट्यूरिया नाम दे सकते हैं, और इसके लिए आप सिंपली ये भी कह सकते हैं व्हेन द ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन यूरिन, यूरिन में ब्लड सेल्स आ जाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि सम दैट प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे एल्ब्यूमिन है और दैट ब्लड सेल्स दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ यूरिन, जो फिल्ट्रेट बनता है ना नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उसकी कंपोजिशन पूरी बताई थी मैंने आपको, तो उसमें आपने देखा था ना तो ये ब्लड सेल्स आती है ना प्लाज्मा आता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हीमोग्लोबिन्यूरिया, हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, अगर ये यूरिन में प्रेजेंट हो तो इसे हीमोग्लोबिन्यूरिया कह देते हैं। ऐसे ही पाइयूरिया, पाइयूरिया एक्चुअली पस मवाद आप कह सकते हैं, पस सेल्स जब हमारे यूरिन में प्रेजेंट होती हैं, मवाद की सेल्स जब प्रेजेंट होती हैं तो वो पाइयूरिया कंडीशन कहलाती है। ऐसे ही यूरेमिया, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिन इन ब्लड, ज़्यादा मात्रा में एक्सेस यूरिन जो है वो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिन नहीं बेटा यूरिया, यहाँ पर फिर से हमने यूरिया लिख दिया है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया, यूरिया इन ब्लड। देखिए ये सब आप देख रहे थे वो यूरिन में था, ये ब्लड में यूरिन की मात्रा, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तब आप उसको यूरेमिया कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स थी। प्रोटीन यूरिया भी होता है जो प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से, तो एल्ब्यूमिन्यूरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सिर्फ प्रेजेंस के हिसाब से ही आपको डिसऑर्डर्स के नाम दिए गए हैं, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। अब बात आती है जैसे मैंने आपको अभी किडनी फेलर जो बताया, रिनल फेलर, इसमें हम डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। देखिए हीमोडायलिसिस प्रोसेस जो है वो एक आप कह सकते हैं इट इज़ दैट प्रोसेस एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह एक मशीन काम करती है, एज इट वर्क्स लाइक ए किडनी, सिंपली जैसे किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम करती है वैसे ही इसका भी फंक्शन होता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉम्पोनेंट्स एंड हाउ डज इट फंक्शन, कैसे काम करती है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इस पर्सन को देखिए, ठीक है, और ये तब होता है जब किडनी फेल हो जाती है, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा आपके ये ह्यूरिक एसिड स्टोर हो जाते हैं जो वेस्ट रिलीज नहीं कर पाती, किडनी काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि पहले तो रेनल ये आर्टरी जो है आर्टरी, ठीक है, उसके थ्रू ब्लड बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जाता है, और वो ट्यूब से होता हुआ एक पंप से पास होता है, यहाँ पर आपको ये पंप दिख रही है, यहाँ से वो पास होता है। यहाँ जो ब्लड का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं। अब देखिए ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है तो उस पर्सन का ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को फॉलो ना करे, इसीलिए यहाँ पर एंटी
coagulant इंजेक्ट किया जाता है। एंटीकोआगुलेंट का फंक्शन आप सभी को पता है, जैसे हिपेरिन स्पेसिन, इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड को क्लॉट में कन्वर्ट नहीं होने देता, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता। एज यू नो, जैसे हमें इंजरी होती है, ब्लड बाहर आता है और क्लॉट फॉर्मेशन फटाफट से स्टार्ट हो जाती है, एंड इन फ्यू सेकेंड्स वी गेट देयर क्लॉट्स। सो अगर बॉडी से ब्लड बाहर आया, अगर क्लॉटिंग हो गई, सो इट बिकम प्रॉब्लम फॉर दिस पर्सन। ठीक, तो इस क्लॉटिंग को रोकने के लिए और दो यहाँ पर प्रोसेसेस हैं, एक तो उसके टेम्परेचर को कम लाया जाता है 0 डिग्री पर, और साथ में एंटीकोआगुलेंट इसमें इंजेक्ट किया जाता है, एंड दिस ब्लड नाउ एंटर्स इनटू दिस कंपार्टमेंट। दिस कंपार्टमेंट कंटेन दैट यू कैन से दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर ओवर देयर। द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलोफेन, ठीक है, सेलोफेन मेम्ब्रेन which is permeable. Permeable means porous होती है, substances can go in or out, ठीक है, और इसमें फिर blood flow करता है, ठीक है। Along with that, ये जो आप यहाँ पर yellow color देख पा रहे हैं around the tubes, ये आप देखिए यहाँ एक आपको ये filtrate आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, तो ये एक्चुअल में होता है डायलाइसेट, द सब्सटेंस विच इज फिल्ड इनसाइड ऑफ दिस चैम्बर। ये जो चैम्बर है इसके अंदर अराउंड दिस ट्यूब्यूल्स, इसमें ये डायलाइसेट फिल्ड किया जाता है, और इसकी स्पेशलिटी जो है डायलाइसेट की, इट्स कंपोजिशन इक्वल टू द ब्लड, मतलब ये जो ब्लड प्लाज्मा है उसके इक्वल इसकी कंपोजिशन होती है, सेम कंपोजिशन होती है, बट जो यूरिया, ह्यूरिक एसिड, जो वेस्ट हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो कंपोजिशन है डायलाइसेट की, वो ब्लड के बराबर होती है, ठीक है, और इसमें ये यूरिया और ह्यूरिक एसिड और जो भी वेस्ट हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसमें होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी आप कह सकते हैं सिंपल डिफ्यूज़न होता है, और सिंपल डिफ्यूजन में आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव करते हैं। तो देखिए बाकी सबका कंसंट्रेशन तो सेम है, एज ब्लड फ्लोज थ्रू दैट ट्यूब्स और दैट लिक्विड इज फिल्ड इनसाइड ऑफ इट, लिक्विड इसमें फिल्ड है, तो ब्लड में एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है, वेस्ट, यूरिया, ह्यूरिक एसिड जो प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा कि जो ब्लड, मान लीजिए ये ट्यूब है, ठीक है, और ये पास में लिक्विड प्रेजेंट है, तो ब्लड में जो यूरिया प्रेजेंट है उस यूरिया का कंसंट्रेशन हाई है ब्लड इस पाइप में, और बाहर यूरिया कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं लो, क्या बिल्कुल जीरो ही है, वैसे तो हम लो लिख लेते हैं, ठीक, तो ये ड्यू टू दैट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाई और लो जो कंसंट्रेशन है, यूरिया इस ट्यूब से बाहर आएगा इस सॉल्यूशन में, ठीक है, और इन दिस मैनर द यूरिया और वेस्ट दैट रिलीज आउट। अब देखिए एक कंडीशन ये है, धीरे धीरे इसका आप कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन तभी तक होता है जब तक दोनों मीडियम में यूरिया बराबर ना आ जाए, तो यूरिया जैसे बराबर आएगा रुक जाएगा, तो पूरी तरह से वो फिल्टर नहीं हुआ, तो उसके लिए पता है क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड को कंटिन्यूसली फ्लो करवाया जाता है, बाहर रिलीज करवाया जाता है, तो मतलब कहने का है कि कंटिन्यूस नया आप इसमें फ्लूड फिलअप कर रहे हैं, और जैसे जैसे नया आएगा उसमें यूरिया की मात्रा कम रहेगी, है ना, तो यूरिया की मात्रा कम रहेगी तो फिर से आप कह सकते हैं जो वेस्ट है वो इन ब्लड वेसल से, सॉरी इन ट्यूब से इस लिक्विड में आता रहेगा। इन दिस मैनर ब्लड इज दैट बिकम फिल्ट्रेट, क्लियर हो जाता है, और ये जो प्रोसेस है इट टेक्स 4 to 5 hours, लंबी प्रोसेस होती है, महंगी प्रोसेस होती है। उसके बाद देखिए ब्लड जो है ऐसे इस ट्यूब से वापस से आता है, और यहाँ पर ये आप कह सकते हैं
एक वार्मर मशीन होती है, वार्मर, तो वो ब्लड को टेम्परेचर जो है उसका वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आती है, एज इट इज वॉज 0 डिग्री। और यहाँ पे हिपेरिन इंजेक्ट किया था जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, फिर से एंटी हिपेरिन इसमें इंजेक्ट किया जाता है। इन एंटी हिपेरिन से मतलब जो हिपेरिन हमने इंजेक्ट किया था उसके इफेक्ट को कम कर दे, जीरो कर दे। देन द ब्लड इज एंटर थ्रू वेन्स, वेन्स के थ्रू ब्लड जो है वो एंटर करवा दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल डायलिसिस प्रोसेस होती है, हीमोडायलिसिस इसे हम कहते हैं, और ये तब होती है जब रेयर कंडीशंस में उसकी प्रॉब्लम जो है कम हो। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, किडनी बिल्कुल फेल हो चुकी है, तब प्रोसेस होती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, यानी किडनी बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रही होती है उस कंडीशन में। तो देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी जो है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि किडनी जो डोनेट करता है वो डोनर है, जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर है, डोनर और एक्सेप्टर जो ब्लड ग्रुप में आप पढ़ चुके हैं, सिंपल है। और इसमें भी आप कह सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स मिलाए जाते हैं उनमें, एज लाइक ब्लड जो है, ब्लड वो सेम ग्रुप का चेक किया जाता है, उनकी आरएच कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है, क्योंकि जो ब्लड है आरएच, ये जो किडनी है, आप देखिए किडनी बाहर से इंजेक्ट की जा रही है, ट्रांसप्लांट की जा रही है, तो वो बॉडी उसको क्या मान लेती है, एक्सटर्नल पैथोजेन मान लेती है, फिर उसके एंटीबॉडीज उस किडनी पे आप कह सकते हैं अटैक कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं मेडिसिंस दी जाती हैं ताकि वो फैमिलियर हो जाए और किडनी को एक्सेप्ट कर लें एज इट्स ऑन ऑर्गन। तो किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले ये पूरी तरह से चेकअप किया जाता है, हेल्दी पर्सन हो, और साथ में आइडेंटिकल ट्विंस अगर होते हैं, मतलब जुड़वा जो हैं आइडेंटिकल ट्विंस, उनसे किडनी लेना ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर नहीं है, मोस्ट कंडीशन में आपको पता नहीं होते हैं, तो फिर वो सिबलिंग्स, फादर मदर रिलेटिव्स जो हैं उनसे ली जा सकती है किडनी। और किडनी जो है ये लिविंग पर्सन से भी ली जा सकती है और डेड से लगभग 48 आवर्स तक आप कह सकते हैं किडनी जो है फंक्शन करती है। तो 48 आवर्स के अंदर किडनी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेन डेड जिनकी होती है, ब्रेन डेड से कहने का मतलब हाईएस्ट इंजरी हुई हो किसी चीज़ से, तो वो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट या यूज़ की जा सकती है। तो किडनी के लिए मैंने आपको क्या बताया, कि मैंने ये बताया आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहली बात कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं मैच करनी चाहिए, चाहे वो उनके ब्लड के बारे में हो, चाहे आरएच कंपेबिलिटी हो, या दूसरे कोई फैक्टर्स वो चेकअप करते हैं। उसके बाद में हेल्दी पर्सन होना चाहिए, वो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है। और ज़रूरी नहीं कि आपके घर का सदस्य हो, अगर बाहर से भी किसी पर्सन के ये कैरेक्टर्स मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह मैच करते हैं, तो वो किडनी ट्रांसप्लांट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। सो होपफुली यू गॉट डेट। और देखिए यहाँ आप ये जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन देख रहे हैं, नई किडनी ट्रांसप्लांट लगाई जाती है लोअर देन द एक्चुअल पोजिशन, और जो पुरानी किडनी से उनको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, एज इट इज़ नॉट फंक्शनिंग, तो ब्लड आता है, फिर यहाँ इन ये रेनल आर्टरीज और रेनल वेन से कनेक्ट कर दिया जाता है, साथ में यूरेटर से भी इसको कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट यूरिन इज़ फिल्ट्रेट आउट इन दिस, किडनी फंक्शन होता है, प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एज किडनी ट्रांसप्लांटेड फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि इट टेक्स मोर टाइम, 7 डेज का समय लग जाता है। तो इस तरह से कुछ ये किया जाता है, ठीक है। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ नॉट सो टिपिकल पार्ट, और ना ही ज़्यादा डिटेल में हमारे बताया हुआ है, तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो हियर आवर टॉपिक इज कम्प्लीटेड ऑफ एक्सक्रेशन। ओके, थैंक यू।